हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सब लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। उसकी यूनिट नंबर वन हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, जिसके लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत से जो कॉलेज हैं वो मैक्सिमम बंद हैं, यूपी में, एमपी में, हर जगह पे बंद हैं। और क्योंकि कोरोना की वजह से हो सकता है ये कॉलेज की छुट्टियाँ आगे पोस्टपोन होती जाए, अप्रैल तक चली जाए, मार्च तक चली जाए, पूरा मार्च हो जाए, तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई थोड़ी जोरी रखिए। आप लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे तो खुद से पढ़िए और खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है? मैं आपके पूरे साथ कर रहा हूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि हमारा यूनिट सेकेंड है। तो इसको समझते हैं फ्रेंड। पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको क्लास में पहले यूनिट बताया था कि रोटेशन जो होता है, देखिए ये हमारा जो है ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है, कंपाउंड के स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं, बस मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन, स्पेस में जो ओरिएंटेशन, जैसे मैंने कहा ये हमारे पास पेन है, तो अब इसका ओरिएंटेशन ऐसा हो गया, या इसका ओरिएंटेशन ऐसा हो गया, या इसका ओरिएंटेशन ऐसा, बोले अभी भी मेरे हाथ में दो ही मार्कर है, लेकिन बस ओरिएंटेशन चेंज होने से क्या हो रहा है, इनके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है और नाम प्रॉपर्टी बदल रही है, तो उनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में रोटेशन दो प्रकार के होते थे, आपको याद होगा फ्रेंड। एक रोटेशन था, आपको याद होगा रिस्ट्रिक्टेड, है ना, आपको याद होगा एक रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड, और दूसरा था फ्री रोटेशन। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आप कोई दो सा लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए और दो लकड़ी के टुकड़े में बीच से एक खेली से गाड़ दीजिए, यानी सिंगल खेली से गाड़ दीजिए। आप इस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ेंगे, दूसरा घुमा सकते हैं, और उसको पकड़ के ये वाला घुमा सकते हैं, यानी फ्री रोटेशन होगा। तो ये फ्री रोटेशन हो गया। और अगर इसी बोर्ड में हम दो अगर खीली इस तरह से गाड़ दें ऊपर और नीचे, अब हम चाहे एक को पकड़ के दूसरे घुमा ले तो ये घूमना मुश्किल नहीं है, यानी दो खीली हो गया तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बीच में एक खीली थी तो फ्री रोटेशन, समझाने के लिए। उसी तरह से जब किसी मॉलिक्यूल्स में कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो फ्री रोटेशन होता है, जो हमने पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में चैप्टर यूनिट नंबर वन में। अब दो खीली का मतलब जिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा वो आपस में मूव नहीं कर पाएंगे, रिस्ट्रिक्टेड होगा, तो वहां पे क्या होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी हमारा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात कर रहा है, यानी दो कार्बन के बीच होगा और उसके बीच जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स लगे होंगे उनका रोटेशन होगा, चारों का रोटेशन होना पॉसिबल नहीं है, ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है? इसको समझ लीजिए बहुत आसानी से, बहुत लंबी क्लास लूंगा आज की, और इसके बाद क्योंकि नोट्स ऑलरेडी इसके अपलोडेड है तो आप वहां से नोट्स इसकी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल। अब हमारी पहली हेडिंग है भाई कि कंडीशन, क्या कंडीशन है, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है, हमको ये पहचानना है कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जो आपके क्या शो करेंगे, आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला एक कंडीशन ये है कि इसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा सिंगल बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन होगा, और फ्री रोटेशन कौन सा होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डबल बॉन्डेड कंपाउंड होना जरूरी है, यानी कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड का होना जरूरी है, ये पहली शर्त है हमारी। शर्त नंबर एक है कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड का होना कंपलसरी है। अब ये चाहे जो हो सकता है, सी डबल बॉन्ड सी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड एस हो सकता है, सी डबल बॉन्ड एन हो सकता है, ठीक है? ये हमारे कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं, ये ऐसे कंपाउंड जो हो सकते एस नहीं, हम यहाँ पे ले सकते हैं सी डबल बॉन्ड एन के साथ ले लिया, सी डबल बॉन्ड सी के साथ ले लिया, ठीक है? ये दो ही हमारे लिए काफी है। तो ये हमारे कंपाउंड हमारे हो सकते हैं जिनके साथ क्या हो, डबल बॉन्डेड, ठीक है? डबल बॉन्ड नहीं होगा तो इसके बाद हम रोटेशन को नहीं दिखा सकते। क्लियर हो गया फ्रेंड? पहली चीज तो ये हो गया। शर्त नंबर दो ये कहता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कि जो ये दो कार्बन है डबल बॉन्डेड से जुड़े हैं, ये जो दो कार्बन है डबल बॉन्ड जुड़े हैं, तो इसपे क्या है, अलग अलग ग्रुप लगे हैं ए बी ए बी, तो इन दोनों में से जो ग्रुप है एट लीस्ट वन ग्रुप शुड बी सेम। दोनों कार्बन से यहां देखिए ए ए बी बी दोनों सेम है, अगर हम बी को हटा के आप सी कर लें तो इस कार्बन पे ए बी, इस कार्बन पे ए सी, यानी ए और ए सेम, ठीक है ना? तो कम से कम एक कंपाउंड जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और तीसरी शर्त है रोटेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड,
क्या होना चाहिए फ्रेंड, रोटेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हमको पहचानना हुआ और हम ये पहचानना चाहेंगे कौन से मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो हमको तीन शर्तें देखनी है कि उस कंपाउंड में कम से कम एक डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, डबल बॉन्डेड कंपाउंड चाहिए, चाहे कार्बन के साथ चाहे नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। दूसरी बात की जाए तो उसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन है दोनों पे जो दो अलग अलग एटम लगे हैं वो एटलीस्ट एक एटम को ही हमारा सेम होना चाहिए अगर हमें ज्योमेट्रिकल शो करना है, और उनके बीच जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टेड तो है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, जैसे चौथी केस में क्या है, अगर हमारा कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड में CH2OH, H, CH2OH और H, इस तरह के कंपाउंड जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं इसमें भी रोटेशन भले ही डबल बॉन्ड ना हो लेकिन इनमें भी रोटेशन जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है अगर साइक्लिक कंपाउंड में दो अलग अलग कार्बन पे बल्की ग्रुप लगे हैं। तो ऐसे कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं भले भी उसमें डबल बॉन्ड ना हो। तो हमने पहली क्लास में ये सीखा, यानी पहली चीज ये सीखी कि कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए, डबल बॉन्डेड कंपाउंड होना चाहिए, अगर वो एलिफेटिक है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होना चाहिए, दोनों में कोई एक एटम या मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और अगर वो साइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें जो एक बल्की ग्रुप लगा हो बल्की ग्रुप से ताकि अगर यहाँ पे एच एच लगा देते तो रोटेशन ना होता, एक बल्की ग्रुप लगा दिया CH2OH, तो बल्की ग्रुप से भी बिना डबल बॉन्ड के रोटेशन हो सकता है, ये हमारा कंडीशन। अच्छा, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कौन से मॉलिक्यूल हमारे शो करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, हमने आपके सामने तीन एग्जांपल लिया है, या मैं कोई सिंपल से एग्जांपल भी ले लेता हूँ, CH2CH डबल बॉन्ड CH CH OH, ठीक है फ्रेंड, हमने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिया है। अब इस एग्जांपल में आपको बताना है कि ये जो कंपाउंड है इसमें से कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा। तो चलिए हम चारों शर्त को मिलाते हैं, एटलीस्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसमें डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, कुछ केसेस में शो करता है उसके बारे में बात करेंगे, ये नहीं करेगा जनरल बात। दूसरा कंपाउंड देखो डबल बॉन्ड है, पहली शर्त फॉलो। दूसरा, जो डबल बॉन्ड कार्बन है कोई भी एक, दोनों सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कोई एक सेम है, देखे एक कार्बन ये हो गया एक कार्बन ये हो गया, तो इसमें ग्रुप कौन से लगे आप कैसे पहचानोगे, इसमें एक दो एथिल ग्रुप लगा है और हाइड्रोजन लगा है, एथिल ग्रुप लगा है और हाइड्रोजन लगा है, देखिए फ्रेंड ये क्या हो रहा है कि दोनों ग्रुप सेम है, तो मैंने कहा कोई एक होना चाहिए, दो है और अच्छी बात है, यानी ये हमारा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तीसरी केस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वेरी गुड, पहली बार ये कार्बन अच्छा मिलाते हैं, इस कार्बन में जो दो ग्रुप लगे एक क्लोरो है और एक दो तीन प्रोपिल है, इस कार्बन पे एथिल है और ब्रोमो है, तो ये दोनों और ये दोनों कोई सेम है, नहीं सेम है, डबल बॉन्ड तो है, रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन दोनों में से एटलीस्ट वन एटम सेम होना चाहिए, वो सेम नहीं है, यानी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सिस्ट्रॉन्स टाइप का। और इस वाले केस में देखते हैं फ्रेंड, डबल बॉन्ड इसमें और इसमें दिख रहा है, तो इस पे कौन कार्बन से दो ग्रुप कौन लगे, एक एच लगा है एक CH2CH2 लगा है, और यहाँ पे एक H लगा है एक OH लगा है, यानी H और H सेम है, यानी ये भी कंपाउंड हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो पहले तो हमको ये समझना है फ्रेंड कि कौन से हमारे कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से कंपाउंड हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो हमने कुछ ये चीज देखा, चार शब्दों को देख लिया कि कौन कौन सी चीजें हमारी शो करती है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर। हम किसी भी कंपाउंड को जब हमने पहचान लिया कि वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो उसका नोमेनक्लेचर देखेंगे कि कितने प्रकार के हमारे नोमेनक्लेचर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले कंपाउंड को हम पहचान रहे हैं तो उसमें नोमेनक्लेचर तीन प्रकार का होता है, पहला होता है सिस एंड ट्रांस टाइप, ठीक है, दूसरा होता है फ्रेंड ई एंड जेड टाइप, और तीसरा होता है सिन एंड एंटी टाइप,
आपको ये चीज ध्यान देना है, अगली हेडिंग है कि नॉर्मल क्लेचर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बेसिकली तीन प्रकार के हो सकते हैं, सिस और ट्रांस टाइप होता है, ई और जेड टाइप होता है, और सिन एंड एंटी टाइप होता है। तो सबसे हम आसान करके तीनों को डिस्कस करेंगे, तीनों के केसेस अलग अलग है, तीनों की कहानी अलग अलग है, हम इन तीनों को बात करेंगे। तो पहला वाला जो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म है उसमें वही शर्तें हैं जो शर्तें अभी आपने पढ़ा, किसके लिए, नॉर्मल कंडीशन के लिए, कि पहला एटलीस्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए दो कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ही चलेगा और किसी के बीच नहीं चलेगा। दूसरी शर्त यह होनी चाहिए कि कोई एक एटम या ग्रुप सेम होना चाहिए, और तीसरी शर्त है स्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए। तीन शर्तें होती हैं सिस और ट्रांस के लिए, ठीक है। तो अगर हम कुछ कंपाउंड लेके एग्जांपल डिस्कस करें तो बहुत सिंपल सा है, सिस एंड ट्रांस की अगर हम बात करें, यह फंडा क्या है आप इसको देख लीजिए, एक्स वाई सी डबल बॉन्ड सी ए ए एक्स वन। देखिए बहुत आसान तरीका है फ्रेंड इसको पहचानने का, अगर ये भी नहीं पहचान पाए तो इससे सरल केमिस्ट्री कुछ होती ही नहीं है। बस आप पूरे कंपाउंड में देखो कि डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड दो कार्बन कहाँ पे है। तो यहाँ तो मैं सिंपल एग्जांपल ले आऊँ, तो दो कार्बन वाला कंपाउंड ये है। तो अब देखो दोनों में कोई सा ग्रुप सेम है, ए एक्स ए वाई, यानी ए और ए दोनों कार्बन पे सेम है, यानी ए जो है वो डिसाइडिंग ग्रुप है और यहाँ पे एक्स ए ए वाई, यानी दोनों तरफ ए ए जो है वो डिसाइडिंग कंपाउंड है, वो सेम है। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ ये क्या है, सिस है कि ट्रांस है, तो चीज ध्यान दीजिएगा, सिस मतलब सेम, सिस मतलब सेम। अगर दोनों जो हमारे देखो एक दो प्लेन होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, दो प्लेन है, एक अबव प्लेन है एक बिलो प्लेन है। देखिए इस कार्बन कार्बन का एक अबव वाला अबव प्लेन है और बिलो प्लेन है। तो अगर सेम कंपाउंड एक प्लेन में है, देखिए यहां पे ए और ए सेम प्लेन में है, तो जब सेम प्लेन में है तो सिस। हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर दो कार्बन के साथ लगा हुआ सेम ग्रुप सेम प्लेन में है तो उसको सिस कहते हैं। और देखिए यहाँ पे सेम ग्रुप अपोजिट प्लेन में, आप देखिए एक ऊपर प्लेन में एक नीचे प्लेन में, सेम ग्रुप अपोजिट प्लेन में है तो इसे कहते हैं ट्रांस, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, कुछ चीजें मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, आप उसमें बताइएगा। जैसे मैंने कहा सी डबल सी, ये हमने बी आर बी आर OH और CH। अब मैं आपसे कहूं कि भैया बताओ कि इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको बताना है, आप सोच के बताइए कि इसमें क्या होगा, सिस होगा कि ट्रांस होगा। अब आप देखिए कंफ्यूज होइए, सोचिए क्या होगा, आपको टमल टाइम दे रहा हूं, सोच लिया। देखिए पहली चीज तो यह कि डबल बॉन्ड है, ठीक है, देखिए इसमें ये क्यों नहीं हो सकता, ये गलत है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, इसमें जो बीआर और बीआर दो सेम एटम है वो एक ही कार्बन पे लगे हैं, और शर्त क्या कहती है कि कोई एक सेम एटम ग्रुप अलग अलग कार्बन पे होना चाहिए। अगर आपको कहीं ऐसा एग्जांपल दिख जाए कि सेम एटम या ग्रुप आपको एक ही तरफ दिख जाए, एक ही कार्बन से लग जाए, तो ये कंपाउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ये आप ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अक्सर आपसे फंसाने के लिए कुछ क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आगे डिस्कस करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल और लेते हुए डिस्कस करता हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे कि सिस और ट्रांस क्या है। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, या CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH2OH। अब आपको आसानी से लग रहा है, अगर ऐसे कंपाउंड दिख रहा है तो दो कार्बन कार्बन है, तो एक में दोनों तरफ क्या सेम है, H और H, इस केस में क्या है, दोनों अपोजिट प्लेन में है, तो दिस इज ट्रांस, और यहाँ पे दोनों सेम प्लेन में है, दिस इज कॉल्ड सिस। तो सिस और ट्रांस पहचानना सबसे सरल तरीका है, इससे सरल कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर आपको सिस और ट्रांस टाइप का आइसोमेरिज्म पहचानना है, ये सबसे आसान तरीका है, इसको लिखिए और चार पांच एग्जांपल लिख करके आप आसानी से इसको बता सकते हैं। दूसरी हम बात करेंगे ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर की। ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट उनके लिए है जो बच्चे हैं, आप बहुत होशियार हो चुके हैं तो आपके लिए ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ई और जेड की पहले हम शर्तें बात करेंगे, ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर की हमको शर्तें देखनी है कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो सिस और ट्रांस भी शो करेंगे, जो ई और जेड नॉमेनक्लेचर शो करेंगे, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो शर्त नंबर एक, शर्त नंबर एक की दो कंपाउंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए। शर्त नंबर एक कि पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कोई एटलीस्ट एक होना ही चाहिए, ये तो शर्त पहले वाले से मैच कर रहा है। दूसरी वाली शर्त क्या कहती है, रोटेशन जो होती चाहिए वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए,
रोटेशन क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड, भाई डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड होगा ही होगा। और शर्त नंबर तीन कहती है कि ऑल एटम आर डिफरेंट। देखिए मैंने कहा कि दोनों कार्बन से लगने वाले जो कंपाउंड है ए बी सी और डी, मैंने कहा अगर कोई एक सेम रहेगा तो वो सिस और ट्रांस हो करेगा, लेकिन अगर चारों अलग हो जाएंगे, अगर चारों अलग हो जाएंगे कि इस कार्बन पे भी दोनों एकदम अलग और इस कार्बन पे भी दोनों एकदम अलग, तो उस केस में हम कैसे करेंगे सिस है कि ट्रांस है, तो उस केस में सिस और ट्रांस नहीं काम करेगा, वहां पे ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर काम करेगा। तो आपको ये चीज पहचानना है कि ई होगा कि जेड। उसके बाद चौथा रूल कहता है कि अब क्या होता है अगर हाइएस्ट प्रियोरिटी वाला एटम सेम साइड है, सेम मतलब क्या होता है सिस, तो ये हो जाएगा जेड, और अगर अपोजिट साइड है यानी जो होता है ट्रांस, वो हमारा क्या हो जाएगा ई। इसको हम पहचानते हैं ये कैसे होगा, थोड़ा सा इंक भरना इसको, ठीक है ये हम पहचानेंगे, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कि इसमें कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा कौन सा सिस है ट्रांस। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमने एक एग्जांपल लिया सी डबल बॉन्ड सी ओ एच एच सी एस थ्री और सी, चलो हमने भर लिया यहाँ पे सी एच ओ एल्डिहाइड ग्रुप। देखिए अब इस कंपाउंड को हम सिस और ट्रांस नहीं शो कर सकते, क्यों नहीं शो कर सकते कि इस दोनों कार्बन से यहाँ पे मेथिल एल्डिहाइड एल्कोहल और एच, यानी चारों ग्रुप अलग है। तो अब इसको डिसाइड करने के लिए कैसे हम निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से बजेगा। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कॉन इंगोल्ड प्री लॉग सिक्वेंस रूल जो होता है ना, प्री लॉग सिक्वेंस जो रूल होता है, जो प्री लॉग सीक्वेंस, सॉरी टेस्ट, जो प्री लॉग सीक्वेंस रूल होता है उसमें क्या था कि आप दोनों साइड में हाईएस्ट प्रायोरिटी डिसाइड करिए, और हाईएस्ट प्रायोरिटी डिसाइड होती है जो पहला एटम जुड़ा है उसके एटॉमिक नंबर से। देखिए इस कार्बन पे जो पहला एटम है वो एच है, तो एच और इस पे जुड़ा है पहला कार्बन ओ, तो ओ का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 और एच का होता है 1, यानी पहली प्रायोरिटी इसको देंगे और दूसरी प्रायोरिटी इसको देंगे। क्लियर हो गया फ्रेंड। अब इस कार्बन पे आ जाओ, इस पे जो जुड़ा है पहला है सी और इस पे जुड़ा है पहला सी, यानी दोनों में सी सी है, सी सी कैंसिल हो गया। देखो इसको कैसे लिखेंगे, सी एस थ्री लिखेंगे सी एच 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 और सी एच ओ लिखेंगे सी एच ओ, तो सी एच ओ नहीं लिखते बल्कि इसको सी ओ एच लिखते हैं। तो पहला सी और सी सेम है तो कट गया, अब एच और ओ में कौन बड़ा है, ओ बड़ा है, एटॉमिक नंबर 8 होगा, ये पहली प्रायोरिटी ये दूसरी प्रायोरिटी। तो फ्रेंड्स देखिए अगर अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एटम या हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले मॉलिक्यूल अगर आपके सेम साइड में है, जैसे वहां होता था तो सेम के लिए सिस होता था, तो अगर सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड है तो जेड और सेम प्रायोरिटी वाली अपोजिट साइड है तो ई। यहां पे देखिए कि पहला और पहला कहां आ रहे हैं, ये अपोजिट प्लेन में आ रहे हैं, व्हाट इज दिस यार, पहली प्रायोरिटी वाले जो है कहां आ रहे हैं, वो अपोजिट प्लेन में आ रहे हैं, और जो अपोजिट प्लेन में आ रहे हैं यानी ये हमारा क्या हो जाएगा अपोजिट मतलब ट्रांस, और ट्रांस क्या बोलते हैं ई, इसका नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड ई, यानी इस कंपाउंड क्लासिफिकेशन क्या है ई। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं सी डबल बॉन्ड सी, जैसे हमने ले लिया बी आर ओ एच और सी एल सी एस थ्री। देखिए फ्रेंड इस पे कैसे करेंगे, तो ई एंड जेड नॉमिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो चारों एटम मॉलिक्यूल अलग अलग है, जब चारों एटम और मॉलिक्यूल अलग अलग है तो कैसे हम कर सकते हैं, यहां पे क्या करेंगे कि प्रायोरिटी डिसाइड करिए, बी आर और ओ में सबसे नंबर डाउन किस ज्यादा होगा, यस एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा 1 और ये हो गया 2, यहां डिसाइड करिए सी एल और सी ये 1 और ये 2। अब देखिए प्रायोरिटी हाईएस्ट क्या है 1, तो 1 इधर और इधर, यानी दोनों 1 और 1 जो है वो सेम प्लेन में है, और जब 1 और 1 सेम प्लेन में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जेड, यानी किसी भी मॉलिक्यूल को हम देख के बता सकते हैं कि क्या होगा उसका नॉमेनक्लेचर ई होगा कि जेड होगा। आसान तरीके से है, हम कुछ एग्जांपल लेने जा रहे हैं और उस एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई मॉलिक्यूल हमारा ई होता है और कौन मॉलिक्यूल हमारा जेड होता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं सी एस थ्री सी एच टू सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच CH2OH। अब हमको यहां बताना, देखिए फ्रेंड अब इस कार्बन और इस कार्बन को हमने माना मेन कार्बन, तो इस कार्बन से दो ग्रुप लगा है H, अब इसको हम H को चाहे तो उठा के यहां कर सकते हैं, तो H और CH2OH दोनों अलग ग्रुप, और इस वाले कार्बन से एक OH एक CH3CH2, यानी ये तो एकदम अलग है। तो अगर हम इसको डिसाइड करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, ये CH2OH ये नंबर 1 होगा ये नंबर 2 होगा, और यहाँ पे देखो ये बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा नहीं है, सी जुड़ा है और ये ओ जुड़ा है, तो ओ पहला होता है
और ये टू होता है। अब देखिए ये वन और वन अपोजिट प्लेन में है, अपोजिट प्लेन मतलब ट्रांस और ट्रांस मतलब ई, ठीक है ना। हम किसी भी मॉलिक्यूल की इस तरह से पहचान सकते हैं। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3, CH2, CBr, डबल बॉन्ड C, CH2, CH3, CH2, CS, और यहाँ पे बेंजीन, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे, देखिए ये दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगे हैं, तो ये तो नंबर वन हो गया फिक्स है और ये नंबर टू हो गया फिक्स है। अब इसको घुमा कर नीचे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे देखो बेंजीन लगा है, सी सी सूस्ट लगा है, तो ये सी 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 और यहाँ पे सी 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 छह तक, तो तीन सी कैंसिल हो जाएंगे, ये ज्यादा बचेगा, यानी ये वन है और ये टू है, सेम प्लेन में है, मतलब दिस इज जेड। तो हमने ये सीख लिया इस क्लास में कि हम ई और जेड नॉर्मल प्रेशर कैसे करेंगे, और किन कंपाउंड्स के लिए ई होता है और किन कंपाउंड्स के लिए जेड होता है। और लास्ट नॉर्मल प्रेशर है वो है सिन और एंटी। हम सिन और एंटी की बात करेंगे कि सिन और एंटी किसमें होता है। देखिए तो हमारा नेक्स्ट है सिन और एंटी, सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर, यानी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ये तीसरा टाइप है कि सिन और एंटी हम कैसे पहचानेंगे। तो सिन और एंटी की शर्तें जान लीजिए। शर्तें क्या है, पहली शर्त ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच होता है, ठीक है। किसमें होता है फ्रेंड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच, NH होता है ना इस तरह से, ये पहली शर्त, ये हमेशा ना ये C डबल बॉन्ड C पे नहीं होगा। शर्त नंबर दो, रोटेशन कैसा होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। शर्त नंबर तीन क्या कहता है, शर्त नंबर तीन ये कहता है कि इस कार्बन पे और इस नाइट्रोजन पे, देखो इस कार्बन पे कोई ना कोई एक हाइड्रोजन ग्रुप जरूर होना चाहिए, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एटम जरूर होना चाहिए, और वो हाइड्रोजन, मैंने हमने CH लगा दिया और यहाँ पे हमने कुछ A लगा दिया, अगर वो दोनों हाइड्रोजन सेम प्लेन पे हैं तो सिस, और ये हाइड्रोजन अपोजिट प्लेन में है तो जेड। बहुत आसान तरीका है, सॉरी सिन और एंटी। देखिए कैसे हम पहचानेंगे, जैसे हमने माना सी डबल बॉन्ड सी, सॉरी एन, यहाँ पे एन पे होता है लोन पेयर, यहाँ पे लगा है एच, हमने यहाँ पे लगाया एच और यहाँ पे लगा दिया सी एस सी, दूसरा कंपाउंड ले लिया सी डबल बॉन्ड एन, लोन पेयर यहाँ ले आओ, दिस इज एच, दिस इज एच और यहाँ पे लगा दो OH। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, C डबल बॉन्ड N H और यहाँ पे ले लिया CH3 और यहाँ पे ले लिया CH2OH। देखिए अब हमको बताना है कि इस तीनों एग्जांपल में कौन सा सिन है और कौन सा एंटी। तो अगर दोनों तरफ लोन H सेम प्लेन में है तो सिन, अपोजिट प्लेन में है तो एंटी। देखिए यहाँ पे एच और यहाँ पे एच अपोजिट प्लेन में है, ये हो गया एंटी। देखिए फ्रेंड कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में एग्जाम्पल में एच नहीं दिया रहेगा, मैं आपको तो बताता हूँ कैसे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ का एच और यहाँ का एच, ये दोनों सेम प्लेन में, देखिए यहाँ ए सेम प्लेन में है, दिस इज सिन, अगर सेम प्लेन में है तो सिन। और इस पे देख लीजिए सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच कहाँ पे है, इस वाले कार्बन फ्रेंड एच है ही नहीं, इसलिए ये मॉलिक्यूल ना सिन शो करेगा ना एंटी शो करेगा, ये हमारा नहीं शो करेगा। अच्छा कुछ एग्जांपल आपको कभी कभी रूप में ऐसे दिख जाएंगे, अब इसलिए बताइए कैसे। अब आप कहेंगे फ्रेंड यहां तो एच लगा ही नहीं है, सिर्फ लोन पेयर लगा है, तो अगर इस तरह के कंपाउंड में एच नहीं लगा है तो उसको एच माना जाता है, और कहां माना जाता है, जिधर लोन पेयर लगा है उसके जस्ट अपोजिट। तो हम ये मान लेंगे कि यहां पे एच है और यहां पे एच है। अब कंपेयर कैसे कर लेंगे, एच एच अपोजिट प्लेन में है तो दिस इज एंटी, और यहां पे एच एच सेम प्लेन में है, दिस इज सिन। क्लियर हो गया फ्रेंड, तो ये हमने सीख लिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, उसके क्या क्या कंडीशन होती है, उसके कौन कौन से नॉमेनक्लेचर होते हैं, तीन तरह के नॉमेनक्लेचर, सिस और ट्रांस पहचानना, ई और जेड पहचानना, सिन और एंटी पहचानना। हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस खत्म कर ली है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाली यूनिट सेकंड बहुत छोटा है, आसानी से खत्म हो जाएगा। हम मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।